कक्षा 10 के विद्यार्थियों सुप्रभात। चैप्टर नंबर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये चल रहा था अपना। उस दिन आपको ये बताया था कि विटामिन्स कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण ये क्या होते हैं, और साथ में इनके स्रोत भी बताए थे कि किन-किन चीजों से हम इनको ग्रहण कर सकते हैं। आज जो अपना टॉपिक है ये कुछ नशीले पदार्थों के ऊपर है। उससे पहले एक चीज देखिए, चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आप अपने घरों के अंदर आसपास देखते हो, अधिकांश लोग बीपी की प्रॉब्लम जो होती है, जिसको रक्तचाप कहते हैं, उससे पीड़ित होते हैं। किसी को हाई बीपी, किसी को लो बीपी। तो ये बीपी एक्चुअल में होता क्या है? बीपी की फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप या रक्तदाब। इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये होता क्या है? वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड मतलब रक्त, प्रेशर मतलब दाब, रक्त के द्वारा डाला गया दाब। अब रक्त दाब कहाँ डालता है? रक्त किस में प्रवाहित होता है? रक्त वाहिकाओं में, जैसे धमनी, शिरा आदि में। तो धमनियों में जो रक्त का दाब होता है, उसी को रक्त दाब कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, हाई बीपी एंड लो बीपी। तो सबसे पहले रक्तचाप की परिभाषा क्या हुई? रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं भित्ति, यानी कि उनकी जो दीवारें होती है, अंदर का जो पोर्शन होता है, उसको भित्ति कहते हैं। रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब, रक्तचाप एक ही शब्द है। तो रुधिर जब वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, तो रुधिर के द्वारा एक प्रेशर लगता है वाहिकाओं के भित्तियों के विरुद्ध, उसी दाब को हम रक्त दाब कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। नंबर वन सिस्टोलिक और नंबर दो डायस्टोलिक। सबसे पहले सिस्टोलिक क्या होता है? यह हृदय संकुचन के दौरान लगता है। हृदय संकुचन के दौरान। और डायस्टोलिक जो होता है, यह हृदय शिथिलन के दौरान लगता है। हृदय शिथिलन के दौरान। यानी कि जब हृदय संकुचित होता है, तो रक्त प्रेशर के साथ धमनियों में जाता है, उस समय रक्त के द्वारा डाला गया दाब कहलाता है सिस्टोलिक। ये ज्यादा होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का 120 mm होता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक, हृदय शिथिलन के दौरान, यानी कि हृदय जब रक्त ग्रहण कर रहा होता है, यानी कि धमनियों से रक्त वापस हृदय में जा रहा होता है, तो हृदय शिथिलन के दौरान रक्त द्वारा धमनियों की भित्तियों के विरुद्ध डाला गया दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, रक्तचाप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इनकी परिभाषा। ठीक है, रक्त दाब को नापा कैसे जाता है? आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
जब भी हम बीपी चेक करवाते हैं तो यहाँ पर ये आपकी जो बाजू होती है यहाँ पर एक पट्टा सा लपेटता है वो, फिर उसमें हवा भरता है, हवा भर जाता है वो प्रेशर डालता है, फिर वो पारा जो होता है एक स्केल पर वो पारा ऊपर नीचे होता है, उससे पता लगाता है कि इसका रक्तचाप कितना है। कभी आपने जानने की कोशिश करी है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है इसका? स्फाइग्नोमैनोमीटर। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, इस शब्द को देखे याद रखें। यानी कि रक्तचाप को स्फाइग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। कौन से यंत्र से मापते हैं? स्फाइग्नो मैनोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है कितना होता है। डॉक्टर जब भी बीपी लिखता है तो आपने देखा होगा बीच में ऑब्लिक लगाता है और फिर लिखता है, जैसे एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें 120-80। इसका मतलब क्या होता है? ये जो दाब होता है 120, इसको तो कहते हैं सिस्टोलिक। कौन सा? सिस्टोलिक। और ये जो अपोन के नीचे लिखा रहता है, जैसे यहां 80 लिखा हुआ है, ये होता है डायस्टोलिक। हमेशा डायस्टोलिक कम होता है, सिस्टोलिक ज्यादा होता है। डायस्टोलिक बढ़ेगा तो सिस्टोलिक अपना आप बढ़ जाएगा, एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120-80 mm। तो ये था रक्तचाप। अब देखिए निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। बीपी कोई सा भी हो, उच्च हो चाहे निम्न हो, शरीर के लिए खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर एक सीमा से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे नसें फटने का डर रहता है, और एक सीमा से कम भी नहीं होना चाहिए। कम होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ज्यादा होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रक्तचाप दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और दूसरा निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है? आज ज्यादातर लोगों को इसकी इस समस्या से ग्रसित देखा जा सकता है, क्योंकि आज खान पान हमारा सही नहीं है, हम वसा युक्त जंक फूड आदि का सेवन ज्यादा करते हैं, श्रमहीन जीवन हो गया, धूम्रपान वगैरह के आदि हो गए हम, तो इन सब के कारण तनाव भरी जिंदगी हो गई। तो उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? श्रमहीन जीवन, क्रोध, चिंता, भय, जंक फूड, धूम्रपान, इन सब के कारण ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाता है किसके अंदर? धमनियों के अंदर, उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में जैसे सिर फटा फटा सा महसूस होता है, सिर में दर्द भी हो जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं, इस तरह की समस्याएं पैदा होती है उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप क्या होता है? कई बार जब रक्त का प्रवाह धमनियों में बहुत कम हो जाता है तो उसको कहते हैं निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप के कारण रक्त जो होता है महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुंच पाता,
महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, किडनी जिसको गुर्दे कहते हैं, लीवर जिसे यकृत कहते हैं हिंदी में, यहां तक ये रक्त नहीं पहुंच पाता। और नहीं पहुंचने के कारण आपको पता है ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो अगर रक्त नहीं पहुंच पाएगा इन महत्वपूर्ण अंगों तक, तो O2 और अन्य पोषक तत्व भी इन अंगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ये अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं स्थायी या अस्थायी रूप से। ज्यादा समय तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है यहाँ अंगों तक, तो ये स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देंगे। और ये महत्वपूर्ण अंग आपको पता है, अगर ये कार्य करना बंद कर देंगे तो मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। तो दोनों प्रकार के जो बीपी होते हैं, उच्च और निम्न, ये दोनों खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये रक्तचाप का टॉपिक था। अब हम आगे चलते हैं। जैसा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, अब हमारा टॉपिक है कुछ नशीले पदार्थों से संबंधित। आज आप देखते हो अधिकांश लोग कुछ को छोड़ करके, कुछ परसेंट को छोड़ करके किसी न किसी व्यसन से ग्रसित होते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू का सेवन करता है, कोई बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करता है, कोई शराब पीता है, कोई ड्रग्स लेता है। ये सभी नशीले पदार्थ हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इन्हीं में से एक नशीला पदार्थ है सबसे पहले गुटखा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुटखा बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। गुटखा गुटखा बनाने के लिए सुपारी के टुकड़े कत्था चूना धातुओं के वर्ग संश्लेषित खुशबू इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको मिलाकर के जो मिक्सचर प्राप्त होता है उस मिश्रण को कहा जाता है गुटखा, ठीक है। गुटखे के सेवन से कई गंभीर रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। लगातार गुटखे के सेवन से मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एक रोग और हो जाता है गुटखे के लगातार संपर्क से, हाँ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं उसको, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, गुटखे के लगातार संपर्क से मुंह की मांसपेशियां गुटखे के लगातार संपर्क से मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। इसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। यानी कि जो लोग गुटखे का सेवन करते हैं वो लगातार गुटखे को मुंह में दबाए रखते हैं, उससे मांसपेशियों का जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स, वो कम हो जाता है। मुंह की मांसपेशियां
कठोर हो जाती है, जिससे मुंह प्रॉपर रूप से नहीं खुलता। आपने देखा भी होगा गुटखा खाने वाले लोगों का मुंह ज्यादा नहीं खुलता। एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है खाना खाना भी भारी पड़ जाता है, खाने का जो निवाला होता है उसको भी मुंह में डालना संभव नहीं हो पाता, इतना मुंह बंद हो जाता है उनका। तो मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण उनका मुंह उचित रूप से नहीं खुल पाता, इस रोग को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर तो इससे होते ही हैं, ठीक है। तो ये गुटखा जो सेवन है इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा, ये तो रक्तचाप के बारे में, रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे मापा जाता है, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा गुटखा, गुटखा कैसे बनाया जाता है, इसके कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, धातुओं के वर्ग, संश्लेषित खुशबू तो मिले ही होते हैं, इसके अलावा जो मिला दे वो गुटखा कंपनी पर डिपेंड करता है, तो इनको मिलाने से गुटखा तैयार किया जाता है। इसके सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।